नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हाई में और आज हम आपके लिए लेके आए हैं टी मेडिकल 2020 का पेपर इस पेपर में हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं बाकी 30 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट की ओर तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेटामॉर्फोसिस इज स्टडी अंडर तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेटामॉर्फोसिस होती क्या है इज़ ए प्रोसेस बाय विच एन एनिमल फिजिकली डिवेल्प एक प्रोसेस है जिसमें एनिमल फिजिकली डिवेल्प होता है आफ्टर बर्थ फ्रॉम एग टू एम्ब्रियो और एम्ब्रियो टू एडल्ट फॉर्म में ओके okay? तो ये किसमें स्टडी किया जाएगा है तो ये स्टडी किया जाएगा एम्ब्रियोलॉजी में तो एम्ब्रियोलॉजी क्या है ये भी द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो एंड फिटिस तो इसका सही आंसर होगा एम्ब्रियोलॉजी क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं क्वेश्चन नंबर टू है मेज़ इज ए मेज़ क्या है तो मेज़ क्या है मेज इज ए टेक्स ऑन तो इसका सही आंसर होगा डी ओके क्वेश्चन नंबर थ्री इन्जेस्टिव न्यूट्रिशन इज इंजेस्टिव न्यूट्रिशन क्या है तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंजेस्टिव न्यूट्रिशन होता क्या है इंजेस्टिव Inge न्यूट्रिशन में क्या होता है वीयर ऑर्गेनिज्म इन सॉलिड फूड ओके जहाँ पे ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड लेता है और ये हिट्रोटॉफिक होता है ओके okay? तो इसका सही आंसर होगा हिट्रोटॉपिक कई वीडियोज़ में आपको देखेगा होलियोफिटिक वो गलत है होलियोफिटिक नहीं है इसका आंसर इसका आंसर सही है हिट्रोटॉपिक क्वेश्चन नंबर फोर है टी एम बी टी तो का फुल फॉर्म होती है टोमेटो तो सॉरी टोमैको मोजैक वायरस तो ये क्या होता है मेडअप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर होता है हैलिकर. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओके इज मॉडर्न नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया होता क्या है साइनोबैक्टीरिया इज एक ब्लू ग्रीन एर्गी है और आपको पता है ये एक प्रोकेरटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होता है और वो ये कहाँ रहता है हमारा फ्रेश वाटर में तो इसका मॉडर्न नेम क्या है माइक्जो तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आइए नाइट्रीफ बैक्टीरिया आ तो पहले तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रीफेंग बैक्टीरिया क्या होते हैं तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं हमारे नाइट्रोजोमनाज एंड नाइट्रोबैक्टर ओके okay. तो ये क्या करते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग देयर ऑर्गेनिक फूड यूटिलाइज द केमिकल एनर्जी ये अपना ऑर्गेनिक फूड कैसे बनाते हैं बाय यूटिलाइज द केमिकल एनर्जी तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इज ये कैमो सिंथेटिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके खाना बनाते हैं तो इसका सही आंसर है कैम्यो सिंथेटिक ओके क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन है एक कंजर्व स्ट्रक्चर इन कंजर्व स्ट्रक्चर किसका है तो कंजर्व स्ट्रक्चर जो होता है वो यूकेरोटिक फ्लैजीला का होता है या सीलिया का होता है इनमें क्या होता है कंजर्व स्ट्रक्चर में नाइन प्लस टू स्ट्रक्चर होता है इन विच नाइन डबल माइक्रोटब्यूल सराउंडेड ए पार्ट ऑफ सेंट्रल सिंगल माइक्रोटब्यूल तो ये किस में सही आंसर होगा इसका सीलिया तो ऑप्शन में है नहीं तो इसका सही आंसर होगा हमारा फ्लैजीलिया ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा फ्लैजीलियम ओके क्वेश्चन नंबर एट पे आते हैं इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ प्लाज्मोडियम वाईविक्स इंकोबेशन पीरियड कितना है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का तो इनकोबेशन पीरियड जो रहता है प्लाज्मोडियम वाईवेक्स का वो रहता है ट्वेल्व टू सेवेंटीन डेज तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास फोर्टीन है तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए फोर्टीन डेज ओके क्वेश्चन नंबर नाइन पे आते हैं ए क्रेस्टोसलाइकन इज क्रेस्टोसलाइकन क्या होता है इसमें ब्रांचिंग्स होती हैं ब्रांचिंग क्रैक्स होते हैं है. और ये क्रैक्स किस लिए यूज़ होते हैं रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट वेरिएशन ये हमारे क्लाइमेट वेरिएशन को बताते हैं तो हमारा क्रिस्टोस लाइकन में जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है ग्राफिस ग्राफिस का ऑप्शन डी ओके क्वेश्चन नंबर टेन पे आते हैं एर्गट इज ऑप्टेन फ्रॉम तो एर्गेट क्या है एर्गेट एक एल्कोलॉइड है ओके आर कंपाउंड और ड्राइव फ्रॉम द पैरासिटिक फंगन फंगस क्लाइविसके तो इसका सही आंसर है क्लाइवस्पेस ऑप्शन सी ये क्लाइविस्प से ऑप्टेंड होता है ओके क्वेश्चन नंबर इलेवन पे आते हैं अपने बैकनी डिजीज इज कनेक्टेड विद द डिस्कवरी ऑफ क्वेश्चन नंबर इलेवन है तो बैकनी डिजीज किससे कनेक्टेड है तो ये क्या है इट इज़ कॉज बाय द फंगस फ्यूजिक्रॉई डिजीज प्लांट्स ओके तो ये किसका बेस्ट एग्जांपल है ये है जिबरलिन का ये कनेक्टेड है विद द डिस्कवरी ऑफ जिब्रलिन का तो इसका सही आंसर होगा जिब्रलिन ऑप्शन ए ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे आते हैं क्लाइडोमनास शो क्लाइडोमनास क्या शो करता है तो क्लाइडोमनास में आइसोगैमी भी होती है एनाइसोगी भी होती है और उगैमी भी होती है तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा ऑल ऑफ द दीस ओके क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे आते हैं कि तो ट्री फन इज ट्री फन क्या बोल रहा है हमारा पास ट्री फन इज तो ट्री फन क्या होता है तो ट्री फन जो होते हैं वो किस ऑर्डर में आते हैं वो आ, आ, आते हैं सैथिया में तो इसका सही आंसर होगा सैथिया साइथिया ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टीन जाइलम इन जिमनोपर्म जिम्नोस्पर्म लैक्स जिमनोस्पर्म का जो जाइलम होता है उसमें क्या लैक्स होता है तो वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म में बट वैसल्स आर अपसेंट इन जाइलम पर वहाँ पे क्या होता है वैसल्स जो होती हैं वो अपसेंट होती हैं तो इसका सही आंसर रहेगा वैसल्स यहाँ पर वैसल्स नहीं होती हैं जिम्नोस्पर्म के जायलम में ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पर आते हैं स्फाइनोगेमी अक्कर इन स्फाइनोगिक किसमें होती है तो स्पाइनोगिक पहले होती क्या है ये एक फर्टिलाइजेशन की टाइप है यहाँ पे जो पोलन ट्यूब है वो मेन रोल प्ले करती है इसमें क्या होता है पोलन ट्यूब जो होती है वो कैरी करती है मेल्स मेल सेल्स को इन द फीमेल एग ओके इसको बोलते हैं स्पाइनोगैमी और ये किसमें देखी गई है ये देखी गई है मोनोकोट डाइकोट जिमनोथोर ये सभी में देखी जाती है हायर प्लांट्स में तो इसको हम बोल देते हैं आल ऑफ डीज तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास आल ऑफ These. आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन लेमनेरिया इज तो लेमनेरिया क्या है लेमिनेरिया क्या है तो इसका सही आंसर है लेमनेरिया लेमनेरिया इज ए जीनस ऑफ थर्टी वन स्पीसीज ऑफ ब्राउन एल्गी कॉमनली कॉल्ड कैल्प्स तो इसका सही आंसर रहेगा डी ये थर्टी वन स्पीसीज ऑफ ब्राउन एल्गी होती है तो इसको हम बोल देते हैं कैल्प जिसका सही आंसर है कैल्प सिक्सटीन का ओके क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पे आते हैं ए फा ए फायसिस इज द कैप्सूल ऑफ फनेरिया इज तो इसका सही आंसर है ए फ क्या होती है सिटाइल सॉलिड बेसल पोर्शन ऑफ द कैप्सूल हैविंग क्लोरोप्लास्ट एंड प्रेजेंट एट ए लोअर पार्ट ऑफ द कैप्सूल तो ये कहाँ ए कैप्स्यूल ऑफ फनेरिया जिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं लोअर पार्ट पे तो इसका सही आंसर है लोअर पार्ट क्वेश्चन नंबर एटीन इन फर्न स्पोरेंजियम द नंबर ऑफ स्पर्स स्पोरेंजियम के जो फर्म होते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ स्पोर्स होते हैं तो इसका सही आंसर रहेगा सिक्सटी फोर ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे आते हैं लिफी गेमेटोफाइट लीफी, लीफी गेमेटोफाइट किस में पाया जाता है तो लिफी गेमेटोफाइट पाया जाता है हमारा ब्रायोफाइटा में ऑप्शन ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर टेन पे ट्वेंटी पे आते हैं मोस्ट प्लांट डवेल्प फ्रॉम तो मोस्ट प्लांट किससे डेवेल्प होते हैं मोस्ट प्लांट डेवेल्प होते हैं हमारे प्रोटोनिमिया से ओके okay? इसका सही आंसर है सी प्रोटोनिमा सही आंसर मा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पे पहुंच गए हैं हम इंडिस इंडेसिम अक्कर तो इंडिसम किस में पाया जाता है तो इंडिसम जो होता है वो फर्न प्लांट में पाया जाता है तो यहाँ पे पेटेरिस जो है फर्न प्लांट का एग्जाम्पल है तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा पटेरिस और ये बाकी जो है रीजिया एंड क्लोरेला ये सब आपको पता है एल्गी हैं वो मोस हैं तो इसका सही आंसर है पेटेरिस पटेरिस एक फन है और जो है वो फन में होता है ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू पे आते हैं हम विच इज़ द अर्लीस्ट लैंड प्लांट सबसे पहला अर्लीस्ट लैंड प्लांट क्या था तो ये था कुकसोनिया वॉज डिस्क्राइब फ्रॉम अबाउट फोर थर्टी टू मिलियन ईयर्स अगो इट इज़ द ओल्डेस्ट मेगा फोसिल्स ऑफ लैंड प्लांट तो इसका सही आंसर है हमारे पास सोनिया ये लगभग फोर्टी फोर हंड्रेड थर्टी टू मिलियन ईयर अगो डेवलप हो चुका था ट्वेंटी थ्री में आते हैं फ्यूलजन टेस्ट इज स्पेसिफिक फार तो ये स्पेसिफिक फार होता है डीएनए के लिए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डीएनए अब क्वेश्चन नंबर फोटीन पे पहुंच चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर पर पहुँच चुके हैं ट्वेंटी फोर है प्रोटोप्लाजम इज प्रोटोप्लाजम क्या है लिविंग मैटर इज ए पॉलीफेसिक क्रिस्टोक्लाइडल तो ये कैसा होता है क्रिस्टोक्लाइड क्रिस्टोक्लाइडल होता है ओके okay, तो इसका सही आंसर है कोलाइडन ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव आइए द टर्म प्लास्टिड वॉज गिवन बाय जो प्ला, टर्म प्लास्टिड थी वो किसने दी थी द टर्म प्लास्टिड दी थी हमारे पास हैकर ने इन द एयर एटीन सिक्सटी सिक्स ओके तो इसका सही आंसर है हैकल इन एटीन सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आइए द हेडट्री व्हीकल इज़ हेडिट्री व्हीकल किसे माना जाता है तो आपको पता है जो हमारे जीन्स को कैरी करता है ओके okay, तो ये है क्रोमोसोम तो इसका सही आंसर होगा डी क्रोमोसोम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन पर आइए पेरॉक्सीजम्स अक्कर इन पेरॉक्सीजोम किस में पाए जाते हैं तो ये पाए जाते हैं हमारे मिजोफिल सेल में तो इसका सही आंसर है बी मिज़ोफिल सेल्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट पर आते हैं रेफिनोज इज़ तो पहले रेफिनोज है क्या रेफिनोज जो है उसका मॉलिकुलर फार्मूला होता है सिक्स एटीन एच थर्टी टू सिक्सटीन इसमें क्या होता है ये एक ओलीगोसेक्राइट है विच कंटेन मोर देन वन सुगर यूनिट ओके तो रेफिनोज है वो बना होता है मेड अप ऑफ ग्लैक्टोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज तो ये तीन यूनिट से तीन मोनोसेक्राइड यूनिट से बना है इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे डाई सेक्राइड किस, किस से बना है ये ग्लैक्टोस ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज तो ये थ्री यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड कंटेन कर रहा है इसीलिए हम इसको डाई बोलेंगे ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन आते हैं मोस्ट एबोन्डेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में मोस्ट एबोंडेंट मतलब सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन है तो ये है कोलेजन ओके okay? और दूसरी हम देखें वर्ल्ड की मोस्ट एवोडेंट प्रोटीन तो वो है रूबिस्को लेकिन ह्यूमन बॉडी में देखी जाए तो कोलेजन होती है तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास डी कोलेजन ओके क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे आते हैं विच एमिनो एसिड इज़ नॉट ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा अमीनो एसिड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो इसका सही आंसर है हमारे पास ग्लाइसिन ऑप्शन ए बाकी ट्वेंटी अमीनो एसिड में से ओनली वन अमीनो एसिड लाइसिन ही है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है बाकी सभी अमीनो एसिड जो हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं जिनमें ल्यूजिन भी आता है आइजोल्यूजिन भी आता है और वेलिन भी आता है तो ये हमारे थर्टी क्वेश्चन थे जो हमने इस वीडियो में कवर किए हमने जहाँ तक हो सका इनको एक्सप्लेन भी किया उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी है लगी है तो इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और वेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो हम अपने नेक्स्ट थर्टी क्वेश्चन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग